हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर से नए वीडियो के साथ, नए लोगों के साथ। तो आज हम देखो, आप इंट्रो देख रहे हो, कितना खूबसूरत हम लोगो बनाना सीखेंगे एक मंकी शेप में। तो देखते हैं, चलते हैं अपने वीडियो को, मैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। तो देखिए, एप्लीकेशन का इंट्रो तो आपको पता ही है, ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन का नाम है और जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल सकती है। सबसे पहले मैंने एक कल बनाया था ये एक डिज़ाइन, तो वो डिज़ाइन आप अगर बनाना सीखोगे तो आज से कम 6 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें आप बना सकते हो इस तरह का डिज़ाइन। तो इस तरह डिज़ाइन बनाने के लिए आप उस वीडियो में देख सकते हो, मैंने बना के रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम ये अपना वहाँ से ले आएंगे जो मैंने से गैलरी में अपने रखा था, और इसको डबल ला के इसको हम कर देंगे क्या, लेयर पे जाके मर्ज। तो कुछ हमारा इस तरह से हमारा बन जाएगा। इस तरह से बनने के बाद में दोस्तों कुछ हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाने के बाद में दोस्तों तो हम इसका ऊपर चेक का ये लेंगे, तो कुछ इस तरह से हम इसको कर लेंगे दोस्तों। तो ध्यान से रखना, तो कुछ इसको हमें क्रोप में जाके इस तरह से इसको कर लेना है, आराम से करना है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि शेप दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। तो कुछ हम इस तरह सेट कर लेंगे अपना। देखो हमारा ये सेट हो गया है, और फिर हम लेयर पे जाएंगे और इसको इस चेक बॉक्स को चेक कर मार्क करके और इस तरह से हम इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद में कुछ इस तरह से घुमाना है, तो इस तरह से इसको रख देना है हमको। तो ध्यान से देखना दोस्तों, इस तरह से हमें इसको रख देते हैं इसको करके। तो ये देखिए, इसको भी लेयर पे जाएंगे, बॉक्स को दोनों को चेक करके और उसको ओके कर देंगे। ऐसे ओके हमारा एक ही इमेज बन चुकी है, ये एक मंकी शेप में हमारी इमेज बन चुकी है दोस्तों। तो ये मंकी शेप की जो इमेज बनी है दोस्तों, तो एक लोगो को बहुत खूबसूरत चाइनीज लोगो बना के ऐसे सकते हो आप, तो बना सकते हो अच्छी तरह से। ऐसे चाइना में भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो कुछ इस तरह से हमें फिर जाना है शेप पर, और हाफ सर्कल शेप ला के तो इसको मैं इस तरह से फिर से वही शेप में जाना है, फिर हाफ सर्कल लाना है और फिर इसको हम इसको कुछ इस तरह से रख देंगे दोस्तों। ऐसे रखने के लिए पहले आप इसको पोजीशन में ले आओ, और दूसरे को भी आप बिल्कुल, ये जल्दी से काम हो जाएगा, ये जल्दी काम होता है। तो कुछ इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे, इसको भी हम जाना है लेयर पे और बॉक्स में को दोनों को चेक मार्क करके उसको इस तरह से कर देंगे, और इरेज कलर पे जाके कुछ इस तरह से हमें कर देना है दोस्तों, और फिर कुछ इस तरह से कर देना है। तो देखिए ऐसे हमारा हो गया, ये हमारी एक इमेज बन चुकी है। तो इसको हम छोटा सा करके दोस्तों इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद में तो ये जो हमने बनाया है ये इसकी एक आँख है, तो इस तरह से हमें इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद में दोस्तों तो आराम से इसको हम यहाँ पे आराम आराम से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हमें बिल्कुल यहाँ पे इसका मदद ले लेना है चेक बॉक्स का, तो इस तरह से हम सेट कर लेंगे इसको। दूसरी ले आएंगे, फिर अगर आपको छोटा बड़ा लगेगा तो फिर इसको आप कर सकते हो छोटा बड़ा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो ऊपर नीचे भी हो जाएगा, तो उसको भी आप करना कर लेना आराम से, इसको नीचे से पोजिशन पर नॉर्मल पोजिशन पर जाके आराम से सेट कर लो। ये देखो हमें कुछ लगा, ये राइट साइड में हमारा चिपक गया है, तो वो हमें नहीं करना था। तो फिर से इसको एक ही कॉपी करनी है इसकी, तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। उल्टा करने के बाद में तो इसको हम लाएंगे, इसका ये लिप्स बनाएंगे, यानी कि होंठ बना देंगे। तो कुछ इस तरह से हम लाएंगे इसको बिल्कुल सेट में, बिल्कुल सेंटर में ला के इसको नीचे इस तरह से रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद में दोस्तों देखो कुछ लग रहा है आपको, ये देखो फेस बन चुका है, मंकी फेस। तो मंकी फेस बनने के बाद से दोस्तों देखो कितना खूबसूरत हमारा बन चुका है। ऐसे बनाने के बाद में इसको हम सबको लाख साथ साथ में लगाएंगे। अब पता क्या करना है हमको, एक और इसी की कापी ले लेनी है, और इसको हम पता थोड़ा सा इसको नाक की स्टेप दे देंगे इसको कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद में इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमाने के बाद में फिर से हम क्या लाएंगे इसको आराम से बिल्कुल नाक की जहाँ पे होती है, ऐसे ही हमारे बिल्कुल नोज इसको वहाँ पे रखेंगे, नोज जहाँ पे नोज होती है। तो इसको भी हम आराम आराम से लाएंगे बिल्कुल सेंटर में, इसको अपना रख देंगे आराम से सेट कर लेंगे। तो लगना चाहिए कि ये देखो कुछ इस तरह से हमारे सेट हो गए, लेकिन हमारी आई जो हमारी आँख है वो थोड़ी सी चिपक गई है, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे दोस्तों। छोटा करने के बाद पहले हम राइट में कर लेते हैं इसको, राइट में करके अभी ये बड़ा लग रहा है हमको, तो इसको हम थोड़ी छोटी करेंगे। तो ध्यान से देखना, इसको आराम आराम से करोगे तो वही आपको अच्छा रहेगा। ये देखिए आराम से सेट कर लो इसको, एक बार ये सेट हो जाएगा बस, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो कुछ इस तरह से हमारा हो गया। अब ये हमारी लेफ्ट साइड की भी, इसको भी हम छोटा करेंगे दोस्तों। छोटा करने के बाद में दोस्तों इस तरह से हम इसको भी छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए सेम हो गया हमारा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया है दोस्तों कुछ इस तरह से। तो हम रख देते हैं इसको, तो अभी लेफ्ट साइड की थोड़ी सी बड़ी है तो वो चलेगा, उस जगह हमारी बच गई। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों जिसने किसी ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो उस कर लेना दोस्तों, तो और सपोर्ट करना, शेयर करना और लाइक करना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें। तो शॉर्ट में दिखाता हूँ आपको, फॉरवर्ड करके स्पीड में करके इसको। तो दोस्तों ये हमारा परफेक्ट बन चुका है। परफेक्ट बनने के बाद में तो इसको हम पहले इसका जो फेस था चारों साइड का है उसका हम ये वाला
देखिए इस तरह से हम दे देंगे उसको टेक्सचर। टेक्सचर देने के बाद में दोस्तों आराम आराम से इसको सेट कर लो, ये खूबसूरत लगना चाहिए कुछ इस तरह से। देखो एडजस्ट कर लो इसको आराम आराम से, क्योंकि ये लगना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ ये उल्टा सीधा किया। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा ये बिल्कुल फिट। ये करने के बाद में इसको हम 3D पे शेप देके कुछ इस तरह से हमें डार्कनेस को जो भी यहाँ पे रखना वो कुछ इस तरह से कर लेना आप। तो दोस्तों लाइट एंगल भी घुमा कर देख लेना, ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद में हमारी जो आई मैंने किया था उसको भी, आई और नोज को और लिप्स को, उसको भी हमें क्या कर लेना है, इसको लेयर पे जाके बॉक्स को चेक सब मार करके ओके कर देना है। तो इसको भी हम टेक्सचर देंगे दोस्तों, इसको भी टेक्सचर दे देंगे कोई अच्छा सा, तो जो भी आपको अच्छा सा लगेगा टेक्सचर। तो ये दोस्तों ये गोल्डन में दे देता हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत लग के आ रहा लगता है गोल्डन टेक्सचर। ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। तो इसको हम क्या देंगे 3D शेप, शेप में इसको थोड़ा सा छोटा 3 पे कर देंगे, 3 कर देंगे या बस 4 या 3 करके, इस तरह से हमारा ये बन जाएगा दोस्तों। ऐसे बनाने के बाद में दोस्तों हमारा ये परफेक्ट बन चुका है। तो इसका जितना भी आपको देना है यहाँ पे राइट साइड में 3D शेप में जाके एंगल वेंगल से आपको सेट कर लेना। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। हम लेयर पे जाके फिर से इसको हम सिंगल हमारे एक ही इमेज कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा बनके ये तैयार हो चुका है दोस्तों। और इसके बाद में हम टेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे, आज मैं अपने नाम चैनल का नहीं लिखूंगा, ट्रस्टफुल ज्ञान नाम है मेरे चैनल का, वो आज मैं नहीं लिखूंगा। आज मैं आप ये लिखूंगा यू आर नेम, बस ऐसे ही मैं लिखूंगा यू आर नेम। इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके राइट साइड में इसको सेट कर देता हूँ दोस्तों, जो कि तुम अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पे, और जो भी किसी भी सोशल साइट पे लगाना हो कहीं पे भी आप लगा सकते हो। बहुत ही परफेक्ट लोगो बनेगा, बहुत ही खूबसूरत। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसको परफेक्ट कर दे देंगे, देखो छोटा सा करके इसको थोड़ा सा, तो हम इस तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो डिजाइन या कुछ भी जो भी आपको लिखना है, या जो भी लिखना है वो लिख सकते हो आप। तो दोस्तों इस तरह से मैं यहाँ पे इसको लोगो डिजाइन लिख देता हूँ। लोगो डिजाइन लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे भी इसको मैं क्या सेट कर दूंगा अच्छी तरह से। आप भी अपना ही जो भी कोई सोशल साइट का नाम है कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लोगो, एकदम रेयर लोगो बनाया दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत। और इसको हम टेक्सचर दे देते हैं मेरे दोस्तों। टेक्सचर आप जो भी कोई कलर रखोगे वही, लेकिन मैं कुछ टेक्सचर दे रहा हूँ, ये कुछ अजीब सा टेक्सचर है ये, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए कुछ ऐसा सा टेक्सचर है, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। देखो ये इसके साथ मिल गया ना दोस्तों, एकदम मैच करने लगा ये जो मैंने आपको टेक्सचर दिया है, ये बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर। और ये नहीं कि आप यही धोना चाहोगे, कोई आप जो भी हो कोई होगा आपके पास कलर यूज करना चाहोगे वो कर लेना। तो यहाँ पे मैं 3D से शेप पे गया और इसको मैं कर देता हूँ 3 पे, वो जो मैंने उसका वो रखा है वो 3 पे कर गया, और लाइट एंगल से मैं जो भी देखना चाहता हूँ वो देख लिया मैंने दोस्तों। तो हमारा लोगो बहुत ही परफेक्ट बना है दोस्तों। ये ऐसे लोग बनाने के लिए देखिए कितना टाइम लगता है दोस्तों। अब इसका इधर शेडो में अगर आप देना सकते हो तो एक मैं देखता हूँ लाइट ब्लू कलर दे दूंगा इसको, या मैं दिखा रहा हूँ आपको फिलहाल क्या क्या हम दे सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो वो आप दे सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर देना कोशिश कर रहा हूँ, तो क्योंकि वो थोड़ा सा ये वाला कलर, ये थोड़ा सा बहुत ही खूबसूरत लग जाता है और चमकता भी है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा मीठा मीठा सा एक लग जाएगा, चमक जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों। और आप अपने जब अपनी किसी भी साइट पर लगाओगे इसको अपना लोगो बना के, बहुत ही परफेक्ट लोगो बनेगा दोस्तों, और बहुत ही सुंदर लोगो बनेगा। और हाँ, ये अभी यहाँ पर परफेक्ट नहीं हुआ, ये जब परफेक्ट होगा दोस्तों, जब इसके बैकग्राउंड पर आप कोई भी कलर की इमेज, जैसे कि ब्लैक हो, जैसे कि रेड हो, जैसे कोई ब्लू हो, तो वो बहुत ही खूबसूरत एक ऊपर के आपका लोगो खूबसूरत बनेगा, और फिर उसको आप यूज कर लेना। तो सेव करने का तो तरीका आपको हमेशा पता है दोस्तों, वो भी ऐसे ही सेव करना होता है दोस्तों। ये हो गया हमारा परफेक्ट होके, तो हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से एम्बोस में जाके थोड़ा सा इसको सजा लेंगे। सजाने के बाद में दोस्तों ये हमारा देखो कितना खूबसूरत ही बनता जा रहा है, ध्यान से देखो आप कितना खूबसूरत हमारा बन चुका है ये। तो इसके बाद में दोस्तों हमारा आगे का काम शुरू होता है। तो इसको हम यहीं पे हम दे सकते हैं यू आर, ये दे सकते हैं लाइट एंगल पे कितना कितना हमें करना है। देखिए कितना खूबसूरत लोगो बन के हमारा तैयार होता जा रहा है, देखो कितना खूबसूरत बन चुका है। तो अब बारी आती है दोस्तों इसके बैकग्राउंड कलर देने की, या इमेज जो भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा आप कर सकते हो, ज़्यादा चाहे रेड दो, चाहे ब्लैक दो, चाहे ग्रीन दो, चाहे येलो दो, चाहे जो सा आपको पसंद हो, जो भी पसंद हो वो आप दे सकते हो। तो मैं आज यहाँ पे रेड कलर दे दूँगा इसका बैकग्राउंड। तो आप देखना कितना ही खूबसूरत हमारा लोगो एकदम उभर के खूबसूरती से में मज़ा आ जाएगा देखने में। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा लोगो बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह आप अपना लोगो बना सकते हो और आप सेट कर सकते हो बहुत ही अच्छा तरह।
देखिए कितना खूबसूरत बनकर लोगो तैयार हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो शेयर और सब्सक्राइब करना।